सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बचपन अंडर 13 फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। इसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 जिलों के 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में DFA बिलासपुर और शिवा क्लब नदौन के बीच पहला मैच ड्रॉ रहा। दोनों टीमें कोई भी गोल करने में सफल नहीं हो पाई। दूसरा मैच मंडी और पांवटा साहब के बीच खेला गया। ये मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल गतिविधियों को व्यापक प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल मैदान विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कबड्डी के साथ साथ निशानेबाजी व हॉकी में हिमाचली खिलाड़ी अपना हुनर दिखा चुके हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को डाइट के नाम पर बहुत कम पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके लिए अब सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द ही खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाई जाए ताकि खिलाड़ियों की सुविधा में कोई कमी न हो। हिमाचल खेलों के मामले में आगे बढ़े, यह सरकार की बड़ी गंभीर इच्छा है और गंभीरता इस बात से दिखाई देती है कि श्री जयराम ठाकुर जी ने और हर विधानसभा क्षेत्र में खेलने का मैदान बने उसकी घोषणा की है और उसके लिए कार्य शुरू हो गया है। हम विकास जो बच्चों का करना चाहते हैं उसके अंदर कुछ कमी रहती है, ऐसा चिंतन भी सरकार में चल रहा है शिक्षा विभाग और खेल विभाग मिल करके कि बच्चों को जो मिलने वाली डाइट मनी है वो ठीक हो जाए और साथ ही वो विभिन्न स्कूलों से आते हैं वहाँ पर उनके आवागमन की व्यवस्था भी विशेष रूप से की जाए ताकि किसी प्रकार का खतरा ना रहे और बच्चे सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं। ये एक विषय सरकार में तेजी से चल रहा है और ये महत्वपूर्ण विषय है।